आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको ये देख के पता ही लग गया होगा कि मैं आपसे क्या शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं कुछ अपने इयररिंग्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं, वो इयररिंग कलेक्शन जो है मेरा, मैं आपसे वो शेयर करूँगी। आज अपने इयररिंग्स दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको अपना इयररिंग कलेक्शन दिखाती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो मेरा फर्स्ट इयररिंग पेयर ये है, ये देखिए, ये वुड में है और ये मतलब पहन के बहुत अच्छे लगते हैं और ये मेरा फेवरेट है। फ्रेंड्स, मैं आपको पास में करके दिखाती हूँ, पास से। ये इस तरीके का है, ये देखिए इस तरीके से है। ये यहाँ नीचे ये सीप में है और यह सब वुड वर्क है, ये वुड में है और ये पहन के बहुत अच्छे लगते हैं। तो फर्स्ट पेयर मेरा फ्रेंड्स ये है। सेकंड पेयर फ्रेंड्स मेरा ये है, ये ग्रे में है और पिकॉक है यहाँ पे, इस पर बना हुआ है और ये मल्टी, नीचे मल्टी कलर हैं। ये देखिए, हम कोई भी ड्रेस पे पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जब इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दिवाली और जैसे और भी इंडियन फेस्टिवल्स हैं तो मैं उनमें इनको पहनती हूँ। तो ये भी अच्छे लगते हैं, मल्टी कलर में है तो ये कोई भी ड्रेस पे चल जाते हैं। थर्ड पेयर फ्रेंड्स मेरे पास ये है, ये भी बहुत अच्छा लगता है पहन के। ये देखिए, ये भी साड़ी पे पहनते हैं और पहने जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये पहनने के बाद मतलब हैवी इयररिंग्स का ये फ़ायदा होता है कि हमें नेक में कुछ भी पहनने का ज़रूरत नहीं पड़ता, तो हम ये पहन सकते हैं। तो थर्ड पेयर मेरे पास फ्रेंड्स ये था। फोर्थ पेयर फ्रेंड्स मेरे पास ये है, ये देखिए आप, ये भी हैवी हैं और इसमें भी पीकॉक है। फ्रेंड्स, मुझे पीकॉक जो जिस बना होता है तो वो मुझे मतलब इयररिंग ज्वेलरी में मुझे पसंद आता है। तो मैं मतलब मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन आपको इसी पीकॉक का ही मिलेगा। तो ये ग्रे है, कलर ग्रे उसमें है और नीचे इसके ये देखिए, ये बहुत अच्छे लगते हैं पहन के। तो फोर्थ मेरे पास ये है। फिफ्थ फ्रेंड्स मेरे पास ये हैं, इसमें मिरर लगा हुआ है और ये भी ग्रे हैं और ये फ्रेंड्स अभी मेरे यूज़ नहीं हुए हैं, मैंने एज इट इज़ ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी मैंने पहने भी नहीं हैं ये। तो एक पेयर मेरे पास ये है फ्रेंड्स, एक पेयर मेरे पास ये है, इसमें रेड नीचे रेड ये है और ये और मिरर है ये देखिए इसमें, तो ये भी अच्छे लगते हैं पहन के। एक पेयर फ्रेंड्स मेरे पास ये है इयररिंग्स का, ये देखिए आप, ये इस तरीके का है ये पेयर। इसमें ये मैं ऑरेंज, जैसे ऑरेंज ड्रेस के साथ का एक मेरे पास मतलब ऑरेंज ड्रेस थी तो मैं उसी पर्पज से इसको लेके आई थी, तो मैंने ये भी पहनती हूँ मैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक ये है, एक फ्रेंड्स मेरे पास ये पेयर है, ये ग्रे में है और ये डेली यूज़ में यूज़ हो जाते हैं, जैसे कभी मतलब ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है, आउटिंग है तो उसमें मैं पहन लेती हूँ, पार्टी वगैरह में। ये जींस पे भी चल जाते हैं और लाइट वेट में है, अच्छे भी लगते हैं पहन के। तो एक ये है पेयर, इस तरीके का है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसके अंदर ये पीछे जो लगाने का होता है वो इसका वो नहीं है, तो वो भी टेंशन नहीं है कि खो गया या ये है, तो बस ऐसे ही एज इट इज़ पहन लो और कंफर्टेबल भी बहुत रहते हैं ये। तो एक फ्रेंड्स मेरे पास ये हैं, ये भी लाइट वेट में है, बहुत अच्छे लगते हैं पहन के और ये भी स्कर्ट्स पे जींस पे काफ़ी अच्छे लगते हैं और बहुत लाइट वेट में है ये। और ये भी इसका ये जो है ये मतलब प्लास्टिक नहीं है, सीप बोलते हैं उसमें है और हैवी भी नहीं है, बहुत लाइट वेट में है। एक ये हैं फ्रेंड्स मेरे पास, ये हैवी लुक में है, पंजाबी लुक की वजह से मैंने लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था। मैं इसको पटियाला सूट है मेरे पास, मैं उनके ऊपर इनको डालती हूँ तो ये बहुत अच्छे लगते हैं पहन के। और इसमें भी फ्रेंड्स आपने देखो, मैं आपको दिखाऊं तो ये नहीं है पीछे, तो मैं ज़्यादा करके कोशिश करती हूँ कि वो ना हो, उनका झंझट नहीं मैं रखती, वो पीछे जो
प्लास्टिक की इनके वो होते हैं, लॉक होते हैं, वो नहीं मैं लेती क्योंकि वो उनसे प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, तो इसलिए ईज़िली ये पहने जा सकते हैं लॉक के बिना। तो एक ये है मेरे पास, और फ्रेंड्स एक मेरे पास ये हैं, ये देखिए आप, ये भी अच्छे लगते हैं पहन के। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, मतलब आप बोलेंगे कि कितने सारे इयर रिंग्स हैं, पर फ्रेंड्स ये मेरे पास अब मतलब मैं हम रोज़ रोज़ नहीं लेती, मैं इनको मतलब संभाल के रखती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे मतलब रखती हूँ अपने इयर रिंग्स अभी, तो ये मतलब काफ़ी टाइम तक ऐसे लगते हैं जैसे न्यू हैं। तो एक इयर रिंग्स मेरे पास ये हैं फ्रेंड्स, काफ़ी पुराने पुराने हैं मेरे पास, पर मुझे कलेक्ट करना पसंद आता है, इसलिए मैं मतलब काफ़ी टाइम तक के रखे रखती हूँ अपने पास इयर रिंग्स, और ये नए भी रहते हैं। ये देखिए एक फ्रेंड्स मेरे पास ये है, ये इस तरीके का है, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है ना, इसमें ये हैं बीट्स हैं, वाइट कलर के बीट्स हैं, और नीचे ये झुमकर झुमकी टाइप बोलते हैं हमारे इधर, तो एक ये नीचे लटकन है और ऐसे है, और इस ये गोल्ड नहीं है फ्रेंड्स, ये थोड़ा ब्लैक में और गोल्ड में मिक्स है ये, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है पहन के। ये इसका पेयर इस तरीके का है ये, और लाइट वेट में है, सबसे बड़ी बात है हैवी लुक देते हैं ये फ्रेंड्स, और होते हैं ये लाइट वेट में। मेरे पास सब आपको लाइट वेट में ही मिलेगा, और देखने में लगते हैं कि कितने हैवी हैं। एक मेरे पास पेयर ये है फ्रेंड्स, ये देखिए आप, इस तरीके का है ये भी अच्छा लगता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे लाइट और सबसे प्यारे सबसे ये देखिए, एक मेरे पास ये भी है, ये भी मतलब ये देखिए, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं पहन के, और लाइट भी हैं, स्कर्ट पे जींस पे ये पहनने जा सकते हैं। तो एक ये है, और फ्रेंड्स मेरे पास हैवी में, ये भी लाइट वेट में ही है, हैवी लुक में, और देखने में हैवी लुक है, और ये मल्टी कलर में है ये भी, और ये भी हर ड्रेस पे पहने जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक ये है मेरे पास, ये देखिए ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। एक फ्रेंड्स मेरे पास ये हैं, ये हैवी हैं, ये देखिए, और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था, मेरी मतलब उसने बर्थडे में मुझे गिफ्ट दिया था। तो एक ये है मेरे पास, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने इनको अभी 2 times पहना है, ज़्यादा नहीं। एक फ्रेंड्स मेरे पास ये हैं, ये देखिए ये भी गिफ्टेड हैं, ये मेरी सिस्टर ने दिए थे, ये भी लॉन्ग में हैं फ्रेंड्स, ये भी पहन के अच्छे लगते हैं, पर ये लॉन्ग, ये नीचे से मैंने इनको हटा दिया था, ये काफ़ी लॉन्ग थे तो मैंने इनको शॉर्ट कर लिया, तो ये भी अच्छे लगते हैं पहन के, इस तरीके से हैं ये देखिए। और एक फ्रेंड्स मेरे पास ये हैं, ये देखिए, ये भी मैं डेली में पहनती हूँ, मतलब कभी हमें आउटिंग पे जाना है तो मैं जीन्स वगैरह पे इनको पहन लेती हूँ, तो ये भी अच्छे लगते हैं, ये जीन्स पे भी चल जाते हैं फ्रेंड्स, और वैसी ड्रेस हमें पहननी हो तो हम यहाँ की ड्रेस जैसे तो उस पे भी चलते हैं। एक ये हैं फ्रेंड्स मेरे पास इस तरीके के, ये देखिए ये भी पहन के अच्छे लगते हैं, ये देखिए यहाँ पर। और फ्रेंड्स एक मेरे पास ये हैं, ये भी लाइट वेट में हैं, और ये मल्टी कलर में हैं, तो इन्हें भी मैं किसी भी ड्रेस पे पहन सकती हूँ, लाइट वेट में हैं तो डेली यूज़ में यूज़ होते हैं। और फ्रेंड्स मेरे पास एक ये झुमकी टाइप में हैं, ये भी देखिए, ये भी फ्रेंड्स मेरे पास पिकॉक में हैं, और ये झुमकी टाइप है, तो ये भी कोई फंक्शन होता है तब पहनती हूँ, ये मैंने करवा चौथ पर लिए थे फ्रेंड्स वैसे तो ये इस तरीके के हैं, ये कंफर्टेबल बहुत होते हैं फ्रेंड्स सारे इयर रिंग्स, मुझे मतलब पहनने में प्रॉब्लम नहीं होता, सब अच्छे लगते हैं, और लाइट वेट में है, लुक इनका हैवी है पर लाइट वेट में है सब। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी ऐसे ही रखे हुए हैं, मैंने नहीं पहने, इस तरीके के हैं ये देखिए आप। और फ्रेंड्स मैं इस तरीके के पेपर में रैप करके रखती हूँ इस तरीके की, ये देखिए मेरे पास ये मतलब इस तरीके के ब्लैक पेपर है,
जैसे कि ज्वेलर्स के पास होता है वो पिंक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का पेपर है, तो मैं इसमें रैप करके रखती हूँ, तो ये मेरे इयर रिंग्स या और भी जो भी मेरी नेक के नेकलेस वगैरह होते हैं आर्टिफिशियल जो भी है, और गोल्ड भी है तो भी मैं इस तरीके से रखती हूँ रैप करके, तो कोई भी ज्वेलरी ख़राब नहीं होती। और नहीं तो ये फ्रेंड्स मेरे इनमें से काफ़ी इयर रिंग्स काफ़ी पुराने पुराने भी हैं, और ये इस तरीके के बैग रखती हूँ फ्रेंड्स मैं, और सबको रैप करके इसके अंदर इस तरीके के बैग के अंदर रख देती हूँ, तो हमारी ज्वेलरी ख़राब नहीं होती, काफ़ी टाइम तक सही। यही मेरे पास इयर रिंग कलेक्शन था, और फ्रेंड्स आपको मेरा इयर रिंग कलेक्शन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फ्रेंड्स तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर, फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।